4x4 चारों, यानी कि चारों पहिए फिर रहे हैं और चारों मोटर काम कर रही हैं गाइस। हेलो गाइस, WQ एक्सपेरिमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक ख़तरनाक यानी कि आइटम मंगाया हमने, फ्लिपकार्ट से मंगाया हमने, यानी ये 2500 रुपये का है, एक कार है कार के रूप में। तो गाइस, ये साधारण कार नहीं है, जैसी आपने देखी होगी बच्चों के पास में, उस तरीके की कार नहीं है ये। यानी ये 4x4 है, यानी कि इसमें देखो चार मोटर लगाई हुई है। और दूसरी बात गाइस, ये यानी कि असेंबल हमने खुद स्वयं की है, खुद ने असेंबल की है, क्योंकि इसके सब पार्ट्स अलग अलग आए थे, तो इसको 2-3 घंटे लग गए थे इसको असेंबल करने में। और दूसरी बात, अभी इसमें हमको कोडिंग करनी है कंप्यूटर से, यानी कोडिंग। इसमें डाटा केबल आई है, इसके साथ में आपको दिखा देते हैं। इसकी डाटा केबल है, ये वाला हिस्सा यानी कि इसमें लगेगा, दूसरा ये लैपटॉप या कंप्यूटर में लगेगा। इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद हमको कोडिंग करनी पड़ेगी इसको। कोडिंग से क्या है गाइस, हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, यानी कि सामने अगर लाइट जल रही है, तो उस लाइट देख के ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी और लाइट के पास पहुँच जाएगी, जिस तरीके से हम प्रोग्राम करेंगे। जैसे सामने यानी कि एक इंसान खड़ा हुआ है, तो इंसान के हिसाब से कोडिंग। अगर इंसान को यहाँ पर यानी कि सेंसर लगे हुए हैं दो, देख लीजिए, ये सेंसर उसको डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने के बाद में यानी कि ये कार ऑटोमेटिक ऑन होगी और ऑटोमेटिक उसके पास पहुंच जाएगी। तो और दूसरी बात, इसमें सबसे कैमरा लगा हुआ है इसमें यहाँ पर, तो ये हमको फुटेज यानी कि हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में यानी कि सेंड कर देगी। तो इसमें इसको आप यानी कि इसमें एड्रीना एक यानी कि एक यानी कि नीचे वाली प्लेट एड्रीना लगी हुई है, तो जिसमें क्या हम प्रोग्राम यानी कि डिज़ाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये इसी काफ़ी, इस पर आगे भी वीडियो आएंगी, मैं इसको अच्छी तरह समझूंगा और इसको प्रोग्राम करके भी आपको वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम इसका टेस्टिंग करेंगे गाइस, कि ये 4x4 है, इसमें ताकत कितनी है, यानी कितना वेट ले जा सकती है, इस चीज़ की ताकत करेंगे। बाकी आगे वीडियो आएंगे, उसमें हम इसकी यानी प्रोग्राम की आपको वीडियो दिखाएंगे, जैसे हम इसको प्रोग्राम करेंगे उसके बाद में यानी कि क्या यानी कि रिएक्ट रहता है इसका, किस प्रकार से वर्क करती है, बाकी और चीज़ें समझाएंगे। फिलहाल तो हम आपको इतना दिखाएंगे कि इसमें ताकत कितनी है, यानी कि 4x4 होने के बाद में कितना वेट ले जाएगी, यानी कि ये टेस्टिंग करेंगे आज हम इसमें। चार्जेबल है, ये चार्जेबल होती है भाई गाड़ी, ठीक है। और आगे ये एक सेंसर, यानी ये भी घूमता है, ये घुमाने का है, तो ये घूम जाता है जिधर घुमाना है, ठीक है। और दो इसमें एक एड्रीना मदरबोर्ड लगा हुआ है, दूसरा एक चार्जेबल यानी कि आईसी वगैरह लगी हुई है। तो गाइस ये है गाइस, इसका लुक भी काफ़ी शानदार है। इसके टायर, मुझे तो इसके टायर ज़्यादा पसंद आए, यानी कि अब इसके टायरों का भी टेस्टिंग होगा कि यानी कि ये कितना वेट ले जाएगी और यानी कि कितनी दम है इसमें गाइस। पास से देखिए, देखो इसका कनेक्शन किस प्रकार से किया है, आपको समझा देते हैं। यानी कि दो टायर हैं, तो नीचे यानी कि इसमें चार मोटर लगी हुई है, देख लीजिए आप। एक में से दो वायर आ रही हैं न्यूट्रल फेस की, तो दूसरा यानी कि जैसे चार इस ये वाले दोनों के चार हो गए और चार, तो ये मदरबोर्ड में लग गए चारों, दो यहाँ और दो इधर की साइड कनेक्ट हो जाएंगे, दो इसमें, ठीक है। इतना दूसरा यानी कि ये जो सेंसर है उसका कनेक्शन यहाँ पर हो गया, यहाँ पर यानी कि 5V और 6NDSU। तो गाइस इस प्रकार से कनेक्शन करना है, यानी कि दूसरा आपको इसके सॉफ्टवेयर के बारे में भी थोड़ा समझा देते हैं, बाकी ज़्यादा तो अभी नहीं बताएंगे, लेकिन थोड़ा बता देते हैं कि सॉफ्टवेयर किस प्रकार से इसमें चढ़ाते हैं हम, यानी कि कोडिंग किस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में चलते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो गाइस इसको प्रोग्राम करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि इसका जो ये वाला प्लग है, इसमें हम इसके साथ में जो केबल आई है उसको अटैच कर देंगे। ये वाली केबल है, देखिए इस केबल को इसमें अटैच कर देते हैं। तो गाइस हमने ये वाली केबल इसके साथ अटैच कर दी, और इसको अटैच करने के बाद में हम इसको यानी कि नीचे CPU में लगा देते हैं। आप देख सकते हो उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा कंप्यूटर में। आपको वॉइस सुनाई दी होगी, यानी कि जो इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने की है, तो इसके ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद में हमको इसका सॉफ्टवेयर है, हमने पहले से डाउनलोड कर रखा है, आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये इसका सॉफ्टवेयर है, इसको हम ओपन कर लेंगे। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद में हमको जाना है टूल में, टूल में यानी कि बोर्ड, बोर्ड के बाद में ये UNO बोर्ड है, तो उसके बाद अब हमको यहाँ पर गाइस कोडिंग करनी है। तो जो भी हमको कोडिंग करनी है उसको
यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। तो गाइस इस हिसाब से इसको प्रोग्राम करना है। यहाँ पर हम जो भी इसको कोडिंग देंगे, जैसे यस कोडिंग, मतलब फॉर एग्जांपल तो अब ये वाला, यानी कि हमने जो यस लिखा है एग्जांपल, तो इसको ये हमारी जो कार है ये डिटेक्ट करेगी और उसके बाद रिस्पांस देगी ऑन होने के लिए। तो देख सकते हो आप, बाकी इसके बारे में आपको पूरी वीडियो मिलेगी किस प्रकार से कोडिंग करते हैं सब कुछ, यानी कि स्पेशल कोडिंग के ऊपर वीडियो बनाएंगे हम, तो आप इसको कोडिंग कर सकते हो। तो हमने तब छोटा सा आपको ट्रेलर समझाया है कि इस तरीके से इसमें यानी सॉफ्टवेयर चढ़ता है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसकी बारी है गाइस टेस्टिंग की, यानी कि अब इसमें देखते हैं कितनी ताकत है। हम केवल इसकी आज वीडियो बनाएंगे कि इसमें ताकत कितनी है, कितना वेट ले जा सकती है यानी। ठीक है, तो हम हटा देते हैं इसकी केबल वगैरह। तो गाइस हमने इसका कनेक्शन कर दिया है। कनेक्शन के बाद में आप देख सकते हो 4x4 चारों, यानी कि चारों पहिए फिर रहे हैं और चारों मोटर काम कर रही हैं गाइस। ठीक है, अब इसको हम छोड़ते हैं। तो गाइस हमने कम से कम इस पर यानी कि 11 kg वजन रखा है, तो यानी कि देख सकते हो आप एक गमला रखा है, इसमें काफ़ी मिट्टी भरी हुई है। तो अब क्या ये चलेगी या नहीं, या इस वेट को ले जा सकती है, कि अब इसको ऑन करते हैं उसके बाद इसकी टेस्टिंग देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से चल रही है, देखो इतना वेट को लेकर भी चल रही है। और अब इसके वेट को हटाते हैं, उसके बाद में देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होता है।